उड़ने दो रंगों को इस बेरंग जिंदगी में, उड़ने दो रंगों को इस बेरंग जिंदगी में, एक त्योहार ही तो है जो जिंदगी को रंगीन बनाते हैं। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्योहार आने को है तो बस ये वीडियो आप लोगों के लिए उसी त्योहार से रिलेट करके है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मेरे सभी रिस्पेक्टिव व्यूअर्स का मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ पूरे आदर और सम्मान के साथ। बहुत अच्छी लाइन है, उड़ने दो रंगों को, जिंदगी रंगीन बनानी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन बचपन से जो चीजें मैंने देखी हैं, आज तक देखती ही आ रही हूँ, कि लगता है कि स्पेशली ये होली का जो त्योहार है वो मेंस के लिए ही आता है। जिस तरह से सड़कों पे लोग दिखाई देते हैं या घर में जो जो एक्टिविटी होती है, देखिए चिप्स का खाना, छन्ना बनना, गुजिया बनना, यहाँ तक अच्छा लगता है। परिवार मिलके साथ में खाते हैं, गुलाल का टीका लगाया जाता है, बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है और पड़ोसियों के घर, रिलेटिव्स के घर जाया जाता है, गिफ्ट मिठाइयाँ दी जाती, यहाँ तक अच्छा लगता है। लेकिन इससे एक लेवल और ऊपर उठ के कुछ ऐसी हरकतें होती हैं घर में, जो आप भी जान रहे हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। मेंस भूल जाते हैं कि क्या करना है हमको, और वो लोग इतने, मतलब मैंने बोला ना कि जब देखो तो लगता है कि बस स्पेशली मेंस के लिए होली का त्योहार आया है। कहीं भी सड़क पे दोस्तों के साथ निकल जाना है, कुछ भी ऊटपटांग हरकत करना है, जो एक दिन पहले होलिका दहन होता है उसमें भी आप मिल लीजिए। क्या क्या हरकतें बताऊं मैं इस वीडियो में, आप बस समझ जाइए, समझदार लोगों को इशारा ही काफी होता है। लेकिन वीडियो बनाने का मोटिव मेरा क्या है वो मैं पहले बता दूं। इन सारी आफात तफरी में हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि हम हमारे बच्चों से ये तक नहीं पूछते और जरूरी भी नहीं समझते कि क्या हमारे बच्चों को ये होलिका दहन किस लिए किया जाता है। सेलिब्रेशन होता है होली के एक दिन पहले शाम के टाइम, और ये होली का त्योहार और ये रंगों से ही खेलने का त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस बार, हर बार नहीं, लेकिन अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो जरूर अपने बच्चों से ये सवाल पूछिए कि होली क्यों मनाया जाता है। क्या वो 10 लाइन 5 लाइन जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, क्या आपके बच्चों को ये पता है? और स्पेशली मैं बोलूंगी कि मदर्स तो बिजी होंगी गुजिया बनाने में, चिप्स बनाने में, बहुत से पापड़ तरह तरह के छानने में, तो स्पेशली ये रिक्वेस्ट है, जितने भी फादर्स देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 5 मिनट इज एनफ फॉर योर चिल्ड्रेन। की आप 5 मिनट का समय लगा के बच्चों को अगर नहीं पता है तो उन्हें बताएं कि होली क्यों मनाया जाता है और एक दिन पहले होली का दहन क्यों किया जाता है। तो बस आज के वीडियो में एक छोटी सी स्टोरी के रूप में मैं लेके आई हूँ, और नहीं पता तो बच्चों को जरूर सुनाइए, बच्चे भी देख सकते हैं। पूरे परिवार के लिए मेरे हर वीडियो वैसे भी होते हैं कि जो एक परिवार बैठ के, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माता पिता साथ में देख सकें। अपने बच्चों को जरूर बताइए हिरण्यकश्यप के बारे में कि एक ऐसे असुर थे, कहा जाता है ना किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, तो जरूर बच्चों को सबक भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी इस वीडियो के जरिए। हिरण्यकश्यप एक ऐसे असुर का नाम है जिसे इस बात का बहुत घमंड था कि वो सबसे शक्तिशाली है, और इतना घमंड कि वो अपने आप को भगवान यानी कि ईश्वर समझ बैठा था कि मैं ही भगवान हूँ। और ये भी है, एक बात ये भी है कि ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी भी मजबूर हो गए उन्हें आशीर्वाद आशीष देने के लिए। इस बात का जब उन्हें वरदान मिला, वरदान जो भी मिला हिरण्यकश्यप को वो उन्हीं के हिसाब से मिला जो उन्होंने मांगा। और लेकिन वरदान मांगा क्या, ये बच्चों को जरूर बताइए कि वरदान स्वरूप जो उन्होंने अर्चना तपस्या की ब्रह्मा जी, उन्होंने ये मांगा कि हे ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान आप दीजिए कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मेरी मृत्यु कभी ना सुबह में हो, ना रात में हो, ना धरती पे हो, ना आसमान में हो, और ना ही मैं किसी अस्त्र से मारा जाऊं और ना ही मैं किसी शस्त्र से मारा जाऊं। ऐसा असुर था हिरण्यकश्यप। लेकिन किसी भी चीज की अति बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, और जब कहा जाता है कि पाप का घड़ा भर जाता है तो कोई ना कोई रास्ते से वो फूटता जरूर है, भले आपको ना पता चले। और ये भी बोला जाता है कि ऊपर वाले की लाठी एक ही बार बजती है और जब पता भी नहीं चल पाता है, तो बिल्कुल ये सत्य है। बच्चों को ये कहानी जरूर बताइए। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम था प्रहलाद। कहा जाता है कि वो हर किसी से यही चाहते थे कि भगवान विष्णु के आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े शत्रु थे, वो ये सोचते थे कि हर इंसान, हर मनुष्य उनकी पूजा ना करके मेरी पूजा करे। देखिए शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, आज हम, आप एज अ नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो कोई शंकर भगवान
को मानता है, कोई ब्रह्मा जी को, कोई विष्णु जी को, कोई माँ दुर्गा की पूजा तो पूरी दुनिया ही करती है। तो ये अपनी अपनी आस्था की बात है। लेकिन उस हिरण्यकश्यप जो असुर था, उसके मन में सिर्फ यही था कि हर कोई उसी की पूजा करे, ना कि भगवान विष्णु की। यहाँ तक कि उनके पुत्र जो प्रहलाद जी थे, उनकी भी आस्था भगवान विष्णु में ही थी। जरूर अपने बच्चों को ये बात मेरे ख्याल से पता होनी चाहिए। जरूर समय निकाल के ये जो आफा तफरी होती है, उस आफा तफरी में से 5 मिनट का अपने बिजी शेड्यूल में से जरूर बच्चों को, ये नहीं कि खाली रंग लगाने, उड़ाने और सड़क पे निकल के गाड़ी लेके, ये सब थोड़ा रोकिए और थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों को भी साथ अपने आगे बढ़ के साथ लेके चलना है। क्योंकि मुझे पता है इस दिन बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को लेके अपने बैठते हैं और उनसे बातें करते हैं और उन्हें स्टोरी होली के दिन की सुनाते होंगे, जो चीजें मैं देखती आ रही हूँ। जब प्रहलाद की बारी आई तो प्रहलाद भी चूकते नहीं थे, क्योंकि मन में और दिल में और आत्मा में सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु का ही वास था। जब भी वो एकांत पाते या जब भी उन्हें समय मिलता, वो कितना भी हिरण्यकश्यप उनके पिताजी बोलते रह गए, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखा और सिर्फ जो पूजा पाठ किया वो भगवान विष्णु की ही की। यहाँ तक कि उसके लिए कहा जाता है बहुत तरह के दंड और बहुत तरह की सजाएं भी दी हिरण्यकश्यप से। हिरण्यकश्यप ने कभी रस्सी में बांध देना, कभी बंद कर देना, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें मूवी वगैरह और वीडियोस बने, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिरण्यकश्यप ने पिता होके भी अपने पुत्र प्रहलाद को परेशान किया। लेकिन जब उस चीज़ का बिल्कुल अंत आ गया, जब बारी आई होलिका, जो उनकी बहन का नाम था, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, होलिका जी को भी वरदान मिला हुआ था शिव जी के तरफ से। उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि उनके पास एक चादर थी, अगर वो चादर वो ओढ़ लेती हैं, वो किसी भी अग्नि से जल नहीं सकती हैं किसी भी प्रकार के। इस वरदान का उन्होंने भी फायदा उठाया और उन्होंने अपने भाई हिरण्यकश्यप से कहा कि इनको मैं, प्रहलाद को अपने गोदी में लेके अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जो है जल जाएंगे। मैं तो जलूंगी नहीं, क्योंकि मुझे तो वरदान प्राप्त है शिव जी का। ऐसा मान रखते हुए पूरी व्यवस्था की गई अच्छे से कि प्रहलाद जैसे बालक को कैसे पहले के भी लोग ना, मैं जब सोचती हूँ स्टोरी जब सुनाती हूँ तो सच में मन बैठ जाता है एक मिनट को, कि कैसे कैसे सोच और विचार वाले लोग तब भी थे और वो चीज़ें आज भी है, कि उस सोच से हम आज भी कहीं ना कहीं बच नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सोच आज भी जीने के लिए बहुत सारे रोड़े हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। जब सारी व्यवस्था कर दी गई, होलिका जी अपना चादर जो था ओढ़ के बैठ गई प्रहलाद जी को गोदी में लेके, लेकिन वही चीज है, बुजुर्गों ने एक कहावत कही है, आप कितना भी करते रहिए लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता। और भगवान खुद ये बात बोलते हैं कि तुझे जो करना है वो तू कर मनुष्य, हे मनुष्य तुझे जो करना है वो तू कर, लेकिन होगा तो वही जो मैं चाहता हूँ, तू वो कर जो तू चाहता है, लेकिन एट द एंड लास्ट में होगा वही जो मैं चाहता हूँ। तो लास्ट में जब वो गोदी में लेके प्रहलाद जी को बैठी, तो वो जो चादर है भगवान की कृपा से उड़ के प्रहलाद जी को पूरा ढक लेती हैं और फलस्वरूप ये मिलता है कि प्रहलाद जी पूरे सुरक्षित वापस आ जाते हैं उस अग्नि से और होलिका जी जल के राख हो जाती हैं। और यही त्योहार के रूप में होलिका दहन इसे बोला जाता है, जिस दिन होली के ठीक एक दिन पहले शाम के टाइम में होलिका दहन किया जाता है। जगह जगह से लकड़ियां, गांव में भी आप देखेंगे कि सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं और होलिका दहन किया जाता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत का ये जश्न है, जिस तरह से दिवाली को मनाया जाता है ठीक उसी तरह ये होली है, कि ये दर्शाती है कि हाँ, जो बुरे विचार है वो कैसे एक मिनट नहीं लगता जल के राख हो जाते हैं। और रही बात हिरण्यकश्यप की, तो ये भी बोला जाता है कि किसी मनुष्य से तो उनकी मृत्यु होनी नहीं थी, तो भगवान विष्णु ने ही, जब इन्होंने प्रहलाद को बहुत ज्यादा परेशान, कहा जाता है वही ना, अति जब बहुत ज्यादा हो गई, पाप का घड़ा भर चुका, जब विष्णु भगवान ऊपर वाला भी कभी कभी एक इंसान हो के ना, एक इंसान को कभी कभी, एक इंसान दूसरे इंसान को इतनी तकलीफ देता है कि ऊपर वाले को भी कष्ट हो जाता है। इसलिए ये बात कही गई है कि किसी को इतना कष्ट नहीं दीजिए कि ऊपर वाले को भी कष्ट हो जाए। तो जब प्रहलाद की ये सब जो हो रहा था, जब भगवान विष्णु जी से न देखा गया, तो वो खुद धरती पे नरसिंह का रूप लेके प्रकट हुए। और उसके आगे की कहानी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ना जमीन पे ना आसमान में,
दरवाजे, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, दरवाजे के चौखट पे जाके और अपनी गोद में लेटा के उन्होंने किसी अस्त्र और किसी शस्त्र से नहीं बल्कि अपने हाथ के इन नाखूनों से ही उन्होंने उनका वध किया। तो ये कहानी है खूबसूरत सी। जरूर बच्चों को पता हो कि होलिका दहन क्यों मनाते हैं। और होली में एक और चीज बता दूं, थोड़ा सा समय और लूंगी, जो रंगों की बहुत ये चला हुआ है पहले के जमाने में, जब कृष्ण भगवान ने वृंदावन में राधा जी के साथ होली खेली थी, तो आपको पता हो कि तब फूलों की बौछार की जाती थी, फूलों से होली खेली जाती थी। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है कि बिना मुंह मतलब काला पीला नीला किए चलता ही नहीं है। गुलाल भी चलता तो ठीक है, वो अच्छा लगता है कि पैर पे, हम लोग का भी टाइम था, मैंने कभी रंग नहीं खेला, गुलाल से ही जो है टीका वगैरह बड़ों को लगाया है, प्रणाम किया है, पैर पे गुलाल, हम लोग बड़े जो हमारे बुजुर्ग हैं सबके पैर पे चरण पे गुलाल लगा के आशीर्वाद लेना, सबके पांव छूना, इस तरह से होली मनाई जाती है। तो बस कृष्ण जी ने इसकी शुरुआत की तब से ये, अब तो केमिकल्स वगैरह फूल को तो आप छोड़िए, लेकिन मैं कामना करूंगी कि शायद फिर से वो टाइम आ जाए। कुछ नहीं तो ठीक है, रंगों से हम अगर दूर नहीं रह सकते हैं तो ज़रूर हम गुलाल से ही सेलिब्रेशन करें, रंग की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं बच्चे मान रहे हैं तो ठीक है, हल्का सा पानी में थोड़ा बहुत, बच्चे बहुत नादान होते हैं, थोड़ा बहुत करके बच्चों का मन भी रख लिया, गुलाल दे दिया और फूलों से अपने घर को भरिए और उसी से होली का त्यौहार मनाइए। और इस कहानी को ज़रूर सुनिए और सुनाइए और बच्चों को बताइए, ताकि आपके बच्चे को पता हो कि बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, दोनों के बीच अंतर, एक इंसान होने के नाते उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो इस आशा और इस उम्मीद के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ कि आप लोग को ये पसंद आया होगा, पूरा परिवार इसको साथ में मिलके अच्छे से देख सकता है। और ये कामना करूँगी कि किसी परिवार में इस होली कम से कम किसी तरह का कलह और किसी तरह का क्लेश ना हो, अच्छे से परिवार मिलके गुजिया भी बनाए, खाए पिए और चिप्स का भी मजा ले, आलू का जो फेमस है, तरह तरह के पापड़ जो बनते हैं, और अपने बच्चों को साथ में बिठा के घर में टीवी देखिए, एंजॉय करिए और फूलों की होली मनाइए और ज्यादा ज्यादा गुलाल की। और बस इसी के साथ एक बार फिर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग खुश रहें और सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपने दूसरे ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।